हेलो, लास्ट में क्या पढ़ा था? ECG खत्म हो चुका है तो सिर्फ दो टॉपिक छोटे छोटे बचे हैं। एक है डबल सर्कुलेशन, पहले ब्लड वेसल्स देख लेते हैं। मैंने ब्लड वेसल्स आपको दिखाया था कहाँ पे, जब सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया था तो उसमें तीन चीज़ें दिखाई थी, हर्ट और जो है क्या कहते हैं ब्लड वेसल्स, एक और कोई पार्ट था जो पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो हाँ, बॉडी फ्लूइड ब्लड वो पहले ही पढ़ा चुका। तो ब्लड वेसल्स आपका जो है, ब्लड वेसल्स आपकी थ्री टाइप्स की हैं। थ्री टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं, एक है आर्टरी, दूसरी है वेन और तीसरी है कैपिलरीज। तीसरी है कैपिलरीज। आर्टरी जो है आपकी ब्लड को जनरली जनरली बोल सकते हैं, रहने दो। जो ब्लड है उसको ट्रांसपोर्ट कराती है फ्रॉम फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, वहाँ तक पहुँचती है। बॉडी टिश्यूज लिख सकते हैं, टिश्यूज तक ले जाती है, ठीक है, ब्लड को। और ये वेन्स जो हैं, ये ब्लड को क्या करती हैं, वेन्स क्या करती हैं, ये बॉडी टिश्यू से या ऑर्गन से, बॉडी टिश्यू से और हार्ट की तरफ लेके आती हैं, टूवर्ड्स हार्ट की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। और कैपिलरीज बेसिकली क्या करती हैं, कनेक्ट्स करती हैं, कनेक्ट्स द आर्टरी विथ वेन, विथ वेन, वेन के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है, वेन के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जनरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है यहाँ पे। इसमें जनरली आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फ्लो करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये इसका कुछ पार्ट ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। ये सपोज कर लो आपकी आर्टरी है, ये आर्टरी बाइफरकेट कर जाएगी, ये आर्टरी आपकी बाइफरकेट कर जाएगी बहुत ढेर सारी वेन्स पे, ठीक है। फिर ये जो है क्या, वेन्स कह रहा हूँ, कैपिलरीज पे, ये कैपिलरीज आगे चल के, ये कैपिलरीज आगे चल के फिर से फ्यूज हो जाएंगी और ये वेन बना देंगे, वेन बना देंगे। इधर ये आर्टरी है, इधर ये आर्टरी है, ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं और ये आपका वेन वाला पार्ट है, वेन है, ठीक है। तो इधर से ब्लड चलता है, ये हार्ट की तरफ से, हार्ट ये कोई बॉडी टिश्यू है, मतलब ये जो कैपिलरीज प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी टिश्यूज में प्रेजेंट है। ये ब्लड चला था हार्ट से बॉडी टिश्यू की तरफ और ये फिर से वापस हार्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, वापस इधर से हार्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए, इंटरनल स्ट्रक्चर में तो जो वॉल है ब्लड वेसल्स की, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स की वॉल है उसमें आपको थ्री लेयर्स मिलेंगी, थ्री लेयर्स, ठीक है, ट्यूनिका, एक्सटर्ना या आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर है बाहर वाली सबसे, ठीक है। फिर आपका ट्यूनिका इंटरना, सॉरी मीडिया लिख दो पहले, ट्यूनिका मीडिया जो बीच में है, और फिर आपका ट्यूनिका, फिर आपका ट्यूनिका इंटरना, ये इनर मोस्ट है, ये इनर मोस्ट है। तो इस तरह से आपको ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वो देखने को मिलेंगी। अब जो है क्या कहते हैं, जो कैपिलरी है, कैपिलरी में सिर्फ ट्यूनिका इंटरना प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले कैपिलरी का पिक्चर बना देता हूँ, टीएस, टीएस, ठीक है, ये है, ये कैपिलरी का है, ये कैपिलरी का ल्यूमेन है, ये कैपिलरी का ल्यूमेन है और ये इंडोथीलियम के नाम से जानी जाती है, ये इंडोथीलियम कैपिलरी की वाल है। और ये बेसिकली इंडोथीलियम क्या है,
ट्यूनिका इंटरना है, ये ट्यूनिका इंटरना है, ठीक है। ये तो है कैपिलरी का पिक्चर, कैपिलरी का पिक्चर है। अब अगर आर्टरी का पिक्चर दिखाऊं तो अंदर का तो ऐसे ही रहेगा, अंदर का आपको ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल अंदर वाला पार्ट ऐसे ही होगा, अंदर वाला पार्ट ऐसे ही होगा। इसके ऊपर एक थिक लेयर प्रेजेंट होगी, इसके ऊपर एक थिक लेयर प्रेजेंट होगी, ये ठीक है। ये है ट्यूनिका मीडिया, ये है ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका मीडिया के फिर से बाहर की तरफ आपको एक और लेयर प्रेजेंट होगी, ट्यूनिका, ठीक है, ये ठीक है, ये आपका है ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये है आपका ट्यूनिका मीडिया, और ये सबसे अंदर वाला है ट्यूनिका इंटरना। तो जो आर्टरी है, ये आर्टरी, आर्टरी का सेक्शन है। आर्टरी में जो ट्यूनिका मीडिया है ये थिक होती है इन कंपेयर टू वेन्स, थिक होती है ये, ठीक है। और ल्यूमेन, इसका ये ल्यूमेन है, जैसे वहां पे ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन नैरो होता है, ल्यूमेन नैरो होता है। तो ये तो हो गया आपका आर्टरी का पिक्चर। वेन्स का पिक्चर अगर मैं बनाऊं, वेन्स का पिक्चर मैं बनाऊं, तो ये अंदर वाला पार्ट है कैपिलरी जैसा, ठीक है। उसके बाहर एक ट्यूनिका मीडिया होगा, बट इस बार इसकी थिकनेस कम होगी, इस बार इसकी थिकनेस कम होगी, ठीक है, इस बार इसकी थिकनेस कम होगी। चाबी निकाल लो उससे, बैग से। तो इसका ये जो है क्या कहते हैं, ये ट्यूनिका मीडिया है। इसके फिर जो है बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको ट्यूनिका एक्सटर्ना बोलोगे, ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो देखो यहाँ पे इसका ल्यूमेन ज्यादा है, ल्यूमेन इसका क्या है, वाइड है, वाइड ल्यूमेन प्रेजेंट होते हैं। ये ट्यूनिका मीडिया है तो उतना ज्यादा थिक नहीं है ये, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो ट्यूनिका इंटरना है, ट्यूनिका इंटरना अंदर वाली सबसे लेयर, जिसको यहाँ पे एंडोथेलियम बोल रहे थे। और ये है ट्यूनिका, सॉरी, बाहर वाली लेयर, ठीक है, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये कुछ आपके जो है ब्लड वेसल्स के पिक्चर है, ब्लड वेसल्स का डिटेल था मैंने जो आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आते हैं हम डबल सर्कुलेशन पे, डबल सर्कुलेशन। तो जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें पाया जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। किस तरह से प्रेजेंट होगा ये, किस तरह से सिस्टम आपका ह्यूमन ये प्रेजेंट होगा? तो देखो, सपोज कर लो ये ह्यूमन हार्ट है, इसको मान लो ह्यूमन हार्ट है, ये आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये हार्ट मान लो सारे चैम्बर मैंने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका जो है, सपोज करो लंग्स की एल्वोलाई है, ठीक है, लंग्स की एल्वोलाई है, यहाँ पे आपके बॉडी टिश्यू है, ये बॉडी टिश्यूज है, ठीक है, ये बॉडी टिश्यूज है, बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो होता क्या है कि जो ब्लड है वो पहले कहाँ जाता है, ऑक्सीजनेशन के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड निकलता है यहाँ राइट वेंट्रिकल से, जाएगा राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, आपका पहुंचा कहाँ पे, एलुलाई के पास में, ठीक है। उल्टा बना दिया कलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये या इसको चेंज कर लो, इसका कलर आप इधर वाले का ब्लू रखना, उधर वाले का वो करना। ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से निकलेगा,
यहां से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा और फिर ये वापस राइट वेंट्रिकल से ब्लड, आपको अगर याद होगा पिछले लेक्चर तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी सेम चीज है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां से ब्लड चलेगा आपका, ये जाएगा कहाँ पे, बॉडी टिश्यू में, ये आपका बॉडी टिश्यूज में ब्लड आएगा, ठीक है, बॉडी टिश्यूज पे ब्लड आएगा। बॉडी टिश्यूज से फिर ये ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका वापस से राइट एट्रियम में पहुंचेगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे पहुंचेगा, फिर राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे पहुंचेगा। तो यहां पे देखो ये वाला जो सर्कुलेशन है इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और जो ये वाला सर्कुलेशन है नीचे वाला, दिस इज सिस्टमेटिक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो कितने सर्कुलेशन हो गए हार्ट में, दो सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अगर आपको यहाँ पे मैं बता दूं तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे गया, राइट वेंट्रिकल से बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे पहुंचा, आपके लंग्स में पहुंचा, ठीक है। और लंग्स से कहाँ पे आया वापस, लेफ्ट एट्रियम में आया। तो एक सर्कुलेशन आपका ये हो गया जिसको आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको आप बोलते हो पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दूसरा सर्कुलेशन जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा, आपको खुद ही दिखाई दे रहा होगा कि क्या लिखना है। देखो ये आपका जो है क्या कहते हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कहां से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा, एवोर्टा के थ्रू कहां पे जाएगा, बॉडी टिश्यू में, ठीक है, बॉडी टिश्यू में। और बॉडी टिश्यू में कैसे पहुंचेगा, वाया कैपलरीज, कैपलरीज के थ्रू पहुंचेगा, वाया कैपलरीज, और कैपलरीज से फिर जाएगा ये वेन्स में, कौन सी वेन्स होगी वो, ठीक है, कौन सी वेन्स यहाँ पे प्रेजेंट होगी। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इसमें बच्चे एक काम और कर लेना, पल्मोनरी आर्टरी से लिख दो जरा सा पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, और फिर लिख दो लंग्स, फिर लिख दो लंग्स, वो भी सही है पर इसको अगर लिखोगे तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे देखो एवोल्टा, एवोल्टा से बॉडी टिश्यू, वाया कैपलरीज, फिर ये जाएगा वेन्स में, ठीक है, वेन्स लिख दो या बेसिकली लिख दो पहले वेन्स ही, वेन्स, ठीक है, फिर लिख दो आप सिस्टेमिक एवोल्टा, और सिस्टेमिक एवोल्टा या सिस्टेमिक वेना केवा लिखना, बेटर टर्म है सिस्टेमिक वेना केवा, और सिस्टमिक वेना केवा से आपका पहुंच जाएगा ये कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल। तो ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये वाला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। अब देखते हैं रेगुलेशन, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको कौन रेगुलेट करता है। तो एज यूजुअल जब जो है बाकी सिस्टम की तरह इसको भी बेसिकली ब्रेन रेगुलेट कर रहा, ठीक है, ब्रेन रेगुलेट कर रहा इसको भी। रेगुलेशन की बात करेंगे, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड या ब्लड, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कौन कर रहा है, ठीक है, रेगुलेटेड वाया नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो है इसको रेगुलेट करेगा, नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली ये जो है क्या कहते हैं, ये ब्रेन में, ब्रेन में एक पार्ट है मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, ऑब्लॉन्गेटा। तो मेडुला ऑब्लॉन्गेटा
में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, या यहाँ पे मैं एक चीज लिख दूँ, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसके दो पार्ट है। इसके क्या है, दो पार्ट है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब नर्वस सिस्टम बताऊंगा तो फुल नेम लिखा दूंगा अभी, ठीक है। दूसरा है पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हार्ट की स्पीड है, ठीक है, पंपिंग ऑफ द हार्ट या कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। और जबकि ये क्या करता है, एक मिनट, ये इंक्रीज करता है, वो डिक्रीज करता है, ये इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज, ये डिक्रीज करता है, डिक्रीज कार्डियक आउट। ये है, ये रेगुलेशन है आपका, ठीक है। कुछ एक हार्मोन्स हैं, वो भी बेसिकली एड्रेनलिन हार्मोन है, ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन आल्सो रेगुलेट हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट। यहाँ पे जरा सा लिख देना, ये बेसिकली कार्डियक आउटपुट, या लिख सकते हो हार्ट बीट, हार्ट बीट, इंक्रीज हार्ट बीट लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस कार्डियक आउटपुट को यहाँ पे इस तरह से कर दो, दोनों तरफ यही करना है, इंक्रीज हार्ट बीट, ठीक है। तो फाइनली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज ही हो जानी है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखो, डिक्रीज हार्ट बीट, हार्ट बीट। तो ये हो गया आपका रेगुलेशन। अब आते हैं जो है कुछ डिसऑर्डर्स पे, ठीक है, कुछ डिसऑर्डर्स पे। तो डिसऑर्डर्स पे एक तो है आपका हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर में नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी जो होता है, वो होता है 120 डिवाइडेड बाई 90। अब ये 120 डिवाइडेड बाई 90 क्या है, दिस इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दिस इज द, ठीक है, डायस्टोलिक, ठीक है। तो अगर ये इंक्रीज कर जाए कितना, 140 डिवाइडेड बाई 120, इतना तक, तो इस कंडीशन को क्या बोलोगे, कि कौन सी कंडीशन है, ये हाई बीपी कंडीशन है, ये आपकी हाई बीपी कंडीशन है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर में आपके जो है, इसका नुकसान क्या है, कि ये एक्स्ट्रा जो है बर्डन डालेगा किसके ऊपर, ज्यादा पंपिंग होगी तो हार्ट में पंपिंग ज्यादा हो रही है, किडनी के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पे ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर करेगा, ठीक है। बच्चे ये 140 डिवाइडेड बाई 90 है, नॉट ये 90, इसके बाद आपके कुछ और डिजीजेज हैं, लाइक कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजाइना एंड हार्ट फेलियर। तो आपको मैं होमवर्क देखता हूँ, ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इसको एनसीईआरटी से इसके बारे में डिटेल लिखो, कुछ पढ़ाने लायक नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, आप एनसीईआरटी से इसका डिटेल देखो, ठीक है, और हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, एनसीईआरटी से इस चीज का डिटेल देखो आप, बाकी मैंने आपका पूरा चैप्टर करवा दिया है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में थोड़ा सा मैं हिंट जरूर दे देता हूँ, कि कोरोनरी आर्टरी आपकी प्रेजेंट होती है उसमें हार्ट के अंदर, और इस आर्टरी में अगर कुछ डिपोजिशन हो गया, इस आर्टरी में कुछ डिपोजिशन हो गया, तो ये बंद हो जाएगा। तो अगर ये पूरा बंद हो जाता है, तब तो जो है प्रॉब्लम ही कर देगा। तो थोड़ा सा बंद हुआ तो स्पीड ब्लड की कम हो जाएगी, जितना ब्लड पहुंचना चाहिए हार्ट में नहीं पहुंचेगा उतना ब्लड, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है ये वाली डिजीज हो सकती है, एंजाइना पेक्टोरिस या हार्ट फेलियर,
ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो डिपोजिशन है किस चीज का है, यहाँ पे जैसे कैल्शियम आपका जो है, फैट, फैट में जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इस तरह की चीजें यहाँ पे डिपॉजिट हो जाती हैं और ये एक क्लॉग बना देता है, ठीक है। तो ये है आपका कॉरोनरी आर्टरीज। एंजाइना पेक्टोरिस में इसी इस तरह से अगर ब्लड पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंचेगा हार्ट में तो क्या होगा, उसकी मसल्स बेसिकली कमजोर हो जाएंगी, और अगर मसल्स कमजोर हो गई तो कभी भी हार्ट फेलियर या उसके चांस बन सकते हैं। तो इसको आप अपनी एनसीईआरटी से कॉपी करोगे। ये चैप्टर आपका ओवर है। अब आते हैं एक नया चैप्टर पे। अब एक नए चैप्टर पे हम आते हैं, वो कौन सा चैप्टर है अपना, एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। न्यू चैप्टर है एक्सक्रीशन एंड एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जी, एक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है बेसिकली दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट। ये क्या है, दे आर नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट है। क्यों प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर जो चल रहा है उसकी वजह से, ठीक है। तो प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के दौरान ये प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के दौरान में ये बेसिकली प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। और इनका जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है इनका जो एलिमिनेशन है, देयर एलिमिनेशन, इनका जो एलिमिनेशन है, क्यों एलिमिनेट करने की जरूरत है, बिकॉज दे आर हाईली टॉक्सिक। ये बहुत टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक, ठीक है। ये टॉक्सिक होने की वजह से इनको जो है इनके एलिमिनेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो द एलिमिनेशन इज नोन एज, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो जब भी एक्सक्रीशन की बात होगी वो क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन की जब भी बात होगी वो बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट के एक्सक्रीशन की बात हो रही है। अब ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं दे आर मेजरली थ्री टाइप्स के, ठीक है, मेजरली ये जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आपके थ्री टाइप्स के। एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो आपके मेजरली थ्री टाइप्स के, तीन टाइप्स के। और इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें कौन कौन से हैं बेसिकली, एक है आपका अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक, ठीक है। तो अमोनोटेलिक में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, मैं स्टार्ट में लिख रहा हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, ईपी से। तो ये जो है यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा अमोनिया, ठीक है। दूसरे हैं यूरियोटेलिक, दूसरे हैं यूरियोटेलिक। यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है यूरिया, ठीक है, यूरिया। और यह है तीसरा जो मेजर कैटेगरी है वो है यूरिकोटेलिक, ऑर्गेनिज्म है बेसिकली, ये ऑर्गेनिज्म है, ये जो लिखे हैं, ठीक है, या तो ये आप लिख सकते हो इस तरह से, लिख लो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ये लिखो बेटर होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरी, तीन कैटेगरी में ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। एक वो जो अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं उनका जो है अमोनोटेलिक बोलते हैं, दूसरे जो यूरिया प्रोड्यूस करते हैं उनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, तीसरे जो बेसिकली यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हो, यूरिकोटेलिक, उनको आप यूरिकोटेलिक बोलते हैं। तो अमोनोटेलिक बेसिकली एग्जाम्पल दे दिया जाए यहाँ पे तो बेसिकली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे आपके फिशेज, फिशेज जो है आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अमोनोटेलिक है, ठीक है।
अमोनोटेलिक है। इसके बाद यूरियोटेलिक में आपके आ जाएंगे मैमल्स और टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है। इसमें से भी आपके जो है फ्रेश वाटर फिशेज लिख लेना, ये आपकी फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस। यूरियोटेलिक में आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और मैरीन फिशेस, मैरीन फिशेस ये हो जाएंगे। और यूरिकोटेलिक में आपके जैसे इंसेक्ट हैं, ठीक है, इंसेक्ट में जैसे आपका कॉकरोच है, इंसेक्ट में आपका जैसे कॉकरोच है, आपके बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल्स, ये तो आपके हो गए ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, ठीक है। अगर अमोनिया प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको अमोनोटेलिक बोलते हैं, अगर यूरिया प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं, और अगर यूरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो वो यूरिकोटेलिक हो गया, ठीक है, यूरिकोटेलिक हो गया। अब आते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें उसमें क्या है प्रेजेंट है, उसमें आपको अ पेयर ऑफ किडनी, टू किडनी होंगी, अ पेयर ऑफ किडनी। दूसरा क्या प्रेजेंट होगा यहां पे, अ पेयर ऑफ क्या बोलते हैं, यूरेटर, हाँ यूरेटर, अ पेयर ऑफ यूरेटर, ठीक है, यूरेटर प्रेजेंट होगा। साथ में क्या प्रेजेंट होगा, अ यूरेथ्रा, एक यूरेथ्रा प्रेजेंट होगा, और साथ में एक क्या प्रेजेंट होगा, यूरिनरी, इसको ऊपर लिख रख लो, इसको यहां आप लिखो, यूरिनरी ब्लैडर। तो इतनी सारी चीजें ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रेजेंट होंगी। पिक्चर देख लिया जाए इसका अगर थोड़ा सा, अगर इसका पिक्चर देखा जाए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पे आपको यहां से कुछ कुछ चीजें और भी जाएंगी, ये है, ठीक है, ये है। अब ये जो ये है लेफ्ट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, और ये वाली राइट किडनी, राइट किडनी। तो ये जो लेफ्ट किडनी है थोड़ा सा अपर होती है, ठीक है, थोड़ा सा अप होती है, अप, ठीक है, किससे, राइट किडनी से ऊपर होती है।
ये आपका इन्फीरियर वेना केवा है, इन्फीरियर जो ब्लड ला रही है, ले जा रही है, इन्फीरियर वेना केवा केवा इन्फीरियर वेना केवा, ये वाली जो है आपकी, ये आपका डार्सल एवोर्टा है जो ब्लड ला रही है, ठीक है, डार्सल एवोर्टा। ये दोनों इधर भी ये दोनों क्या है, यूरेटर है, सॉरी यूरेटर कह रहा हूँ, हाँ यूरेटर है, ठीक है यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर। नीचे कुछ पार्ट इसका ये वाला यूरेथ्रा है, ठीक है यूरेथ्रा है, और ये बाहर की तरफ। अब एक किडनी का पिक्चर अगर बना लिया जाए, ये तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो गया, पूरा का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, जिसमें से अ पेयर ऑफ किडनी है, ठीक है अ पेयर ऑफ किडनी है, और यूरेट्रा यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक है। पूरा एक पिक्चर अगर बनाओगे, पूरा एक पिक्चर बनाओगे, ये ठीक है, ये तो, ये तो बेसिकली बाहर की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो लाइन है, ये जो बाहर की तरफ लाइन है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, ठीक है। अब इस कैप्सूल के अंदर की तरफ ये वाला जो पार्ट है, ये कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स है, उसके अंदर बिल्कुल बीच वाला पार्ट मेड्यूला है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको लेबल करना चाहूं तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द कैप्सूल, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर ये वाला पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये आपका है कॉर्टेक्स, ठीक है, ये है कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला प्रेजेंट है। मेडुला में जो है आपके बहुत ढेर सारे इस तरह से पैचेस प्रेजेंट है, इस तरह से पैचेस प्रेजेंट है, इस तरह से पैचेस प्रेजेंट, ठीक है। ये है बेसिकली मेडुलरी पिरामिड, दीज आर द मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। तो ये जो मेडुलरी पिरामिड है बेसिकली ये मेडुला वाले रीजन में है, पर ये जो कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स बेसिकली अंदर चला गया है ये, और ये जो गया है, ये है बेसिकली रीनल कॉलम, और रीनल कॉलम का एक नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। रीनल कॉलम का नाम है कॉलम ऑफ बर्टिनी। ये जो आपको मेडुलरी पिरामिड दिख रहे हैं, इन मेडुलरी पिरामिड में आपके, इनमें मेडुलरी पिरामिड में बहुत ढेर सारी क्या भरी हुई है, न्यूरॉन्स भरी हुई है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये न्यूरॉन्स हैं, या आप ये सॉरी न्यूरॉन बोल रहा हूं, गलत बोल गया, नेफ्रॉन, ठीक है, या रीनल ट्यूब्यूल्स भरी हुई है, इसके अंदर रीनल ट्यूब्यूल्स भरी हुई हैं, ठीक है। तो ये बीच बीच में जो कॉर्टेक्स है, जो अंदर इंसर्ट कर गया, उसको रीनल कॉलम बोलते हैं, बेसिकली कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है, कॉलम ऑफ बर्टनी। अब यहां पे थोड़ा सा आप देखोगे, ओके, तो ये वाला जो पार्ट है, ये कैलिक्स बोलते हैं इसको, कैलिक्स, और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ये जो पार्ट है जहां पे बहुत सारे कैलिक्सेस ओपन हो रहे हैं, जहां पे बहुत सारे कैलिक्सेस होने ओपन हो रहे हैं, उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है, उसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। ये आप जान ही रहे हो, ये क्या है, यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर। तो ये रीनल पेल्विस है, इस रीनल पेल्विस में ये जो जगह है, ये वाला, इसको क्या नाम देते हैं,
फाइलम, ये आपका, ये जहां से ये यूरेटर एंटर कर रहा है, ये जहां से, इसको थोड़ा सा आप इस तरह से बना सकते हो, इस तरह से, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जहां से यूरेटर एंटर करते हैं इस पार्ट को बोलते हैं हाइलम, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ये जो किडनी है इसका अगर आप इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काट दोगे तो सबसे बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव सीथ मिल रही है, ठीक है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है, जिसका काम प्रोटेक्शन है, वो कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर की तरफ आपको कॉर्टेक्स, मतलब किडनी के जो दो पार्ट हैं, एक आपका जो है अंदर अंदर वाला मेडुला है, बाहर की तरफ आउटर, ये आउटर, ये बेसिकली आउटर कॉर्टेक्स है, और इनर जो है ये जो पार्ट जहां पे ये प्रेजेंट है, ये जहां पे ये प्रेजेंट है, ये इनर मेडुला है, ये इनर मेडुला है, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है, कॉर्टेक्स कुछ प्लेसेस पे अंदर घुस जाता है, उसको बोलते हैं रीनल कॉलम और कॉलम ऑफ बर्टनी, ठीक है। मेडुला रीजन पे ये आपके जो है, ये आपके मेडुला रीजन पे मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट है, मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट, मेडुलरी पिरामिड में आपके नेफ्रॉन्स भरे हुए होते हैं, ठीक है। ये जो बेसिकली मेडुलरी पिरामिड है, या बोल सकते हो कि ये जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स है, ये जाके कैलिक्स में ओपन होते हैं, और कैलिक्स बेसिकली कहाँ पे ओपन होता है, रीनल पेलिस में ओपन होता है, ठीक है। और ये जो यूरेटर जहां से एंट्री लेता है उस पॉइंट को हाइलम बोलते हैं, ठीक है, हाइलम बोलते हैं। इसी हाइलम के साथ में यहां से आपका जो है इंफीरियर, सॉरी, डॉर्सल एवर्टा वगैरह जो ब्लड की सप्लाई है वही होती है, और यहीं से बेसिकली आपके न्यूरॉन्स वगैरह या वेन्स वगैरह यहां से निकल के बाहर की तरफ जाती है, ठीक है। तो ये पिक्चर है आपका किसका, किडनी का, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो यूरेटर, ये जो यूरेटर है, इस यूरेटर का जो साइज है बेसिकली वो आपका होगा 10-12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, ये आपका 10-12 सेंटीमीटर इन लेंथ में होगा। इस किडनी है हिमन, ओके। और किडनी का अगर जो है आप पूरा विड्थ देखोगे, ये जो किडनी है, किडनी ये आपका, ठीक है, इसका जरा सा आप लिख लो, इसका वेट करीब करीब 150 कितना है लिख लो, जरा सा मैं बता देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, लिखो जरा। किडनी का जो वेट है वो है आपका 170 ग्राम के आसपास, 120 टू 170 ग्राम के आसपास है, 120 टू 170 ग्राम, ठीक है। लेंथ होगी आपकी 10-12 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ठीक है। विड्थ होगी आपकी 5-7 सेंटीमीटर, और थिकनेस जो है होगी वो 2-3 सेंटीमीटर होगी, या बच्चे एक मिनट, लेंथ, थिकनेस, विड्थ, ठीक है, थिकनेस ही है, 2-2 सेंटीमीटर, ये आपकी थिकनेस है, थिकनेस। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये चीज आपका ध्यान में रखना। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आपका डिस्कस कर दिया है, अब आएंगे इस पार्ट, इस पे आएंगे, ठीक है, मतलब बाहर से मेन जो काम है वो उसका है, वो जो मेन काम है वो उसका है, नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन बेसिकली, या यूरिनरी नेफ्रॉन, इसी को बोलते हैं यूरिनरी फेरस टिब्यूल, यूरिनरी फेरस टिब्यूल्स, नेफ्रॉन। तो ये जो नेफ्रॉन है आपका, यूरिनरी फेरस टिब्यूल्स, इसके बारे में, ये क्या है, ये यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है, तो जो नेफ्रॉन है, मैंने बोला नेफ्रॉन में आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, नेफ्रॉन में टू पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एक पार्ट है जिसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल,
नेफ्रॉन में पहले एक और चीज ऐड करो, ठीक है? 100 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली इन टू किडनी, टू किडनी में इतना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा, ठीक है। अब ये जो नेफ्रॉन के टू पार्ट हैं उसमें से दो, मतलब इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, एक ग्लोमेरुलस और दूसरा आपको रीनल ट्यूब्यूल, दूसरा आपको मिलेगा रीनल ट्यूब्यूल। ये जो ग्लोमेरस है, दिस इज द टफ टॉप कैपिलरीज, कैपिलरीज टफ है कैपिलरीज का, इस तरह से होता है, इस तरह से देखो, ये आई, ये डिवाइड कर गई, ये डिवाइड कर गई आपकी, ठीक है, ये बहुत से पार्ट में डिवाइड कर गया, ये इस तरह से बनाओ, इस तरह से, ठीक है, इसको इस तरह से आपका होगा। तो ये कैपिलरीज हैं, ये बेसिकली इसको बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। इधर से ब्लड इंटर करता, इधर से ब्लड इंटर करता और इधर से ब्लड निकल जाता है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स, इफरेंट आर्टेरियोल्स, इससे ब्लड निकल गया, ठीक है। और ये है ग्लोमेरुलर टफ्ट, ये जो आपको पूरा दिख रहा है ये क्या है, ग्लोमेरुलर टफ्ट। तो ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिलेगा एक ग्लोमुलस के अंदर, इधर से ब्लड आया इधर के साथ में, ठीक है। अब ये रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स के आपको दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बाउमेंस कैप्सूल, कप शेप जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे, ठीक है, बाउमेंस स्ट्रक्चर, इसको इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। तो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको बाउमेंस कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है बेसिकली ट्यूबुलर पार्ट, दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट। तो ये ट्यूबुलर पार्ट में आपको कई सारी चीजें मिलेंगी, PCT मिलेगा, लूप ऑफ हेनले मिलेगा, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, और आपको DCT मिलेगा, ठीक है, DCT मिलेगा, इतना पार्ट। इसके बाद आपको वहां पे कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा, बट कलेक्टिंग डक्ट जो है एक्चुअली कई सारी उसका पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट डाल दो कि ये जो आपका DCT है, DCT opens in collecting duct, collecting duct, ठीक है। और ये जो collecting duct है, which is part of many nephron, which is part of many nephron, कई सारी nephron का part है वो, which is part of many nephron। तो ये तो basically आपका हो गया, यहाँ पिक्चर देख लो, एक आप एक पिक्चर देख लो नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन का एक पिक्चर देख लो, ये बाउमेंस कैप्सूल है, ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है वो है बाउमेंस कैप्सूल, अब ये जो बाउमेंस कैप्सूल है यहां से स्टार्ट होगा, DCT, ओ PCT, PCT से आपका आगे
लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले आपका पतला हो जाएगा आगे चल के, ठीक है, लूप ऑफ हेनले आपका पतला हो जाएगा आगे चल के, ये ठीक है, ये फिर से नीचे के बाद ये फिर से थिक हो जाएगा, ये फिर से थिक हो जाएगा, और ये आगे चल के फिर बनाएगा डीसीटी, ये आगे चल के बनाएगा डीसीटी, ठीक है। यहां पे आपका इस तरह से आपका ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ये जो है ये तो आपका बाउमेंस कैप्सूल है, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, दिस इज द, यहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक, यहां तक, ठीक है, यहां तक ये आपका है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, पीसीटी, ठीक है। ये बेसिकली जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसमें से दो पार्ट हैं, पर ये पूरा यहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ठीक है, जिसको शॉर्ट में LOS भी बोलते हैं। और जो ये पार्ट है, ये है डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डीसीटी, ठीक है, डीसीटी। और ये डीसीटी जो है क्या कहते हैं, मैंने बोला कि ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, ये डीसीटी आपका, डीसीटी आपका ओपन हो रहा है कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द कलेक्टिंग, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो ये नेफ्रॉन का पार्ट है, ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हेनले है, ये उसका थिक सेगमेंट है, ठीक है, ये उसका थिक सेगमेंट है, और ये उसका थिन सेगमेंट, थिन सेगमेंट, ये उसका थिन सेगमेंट है। यहां से अगर आप देखोगे, यहां से अगर आप देखोगे, तो सेम वो चीज जो बाउमेंस कैप्सूल ग्लोमेरुलस डक्ट है, वो आप बना सकते हो, वो आप बना सकते हो, ये आपका, ठीक है। तो ये आपका पहले ही बताया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल्स, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल्स, ठीक है, दिस इज द एफरेंट आर्टरियोल्स, ये बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, ये वाला पार्ट उसका यहां से लेके, यहां से लेके ये वाला पार्ट प्रॉक्सिमल, ये आपका लूप ऑफ हेनले, ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो ये एक आपका स्ट्रक्चर है, किसका, ये स्ट्रक्चर है आपका नेफ्रॉन का, ठीक है, ये आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, पूरा नेफ्रॉन में आपने ग्लोमेरुलस भी ऊपर दिखा दिया, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये पार्ट है आपका पूरा का पूरा, ये आपका स्ट्रक्चर, जितना भी स्ट्रक्चर पार्ट था वो बना दिया, ठीक है। तो बेसिकली जो फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन की, जो फंक्शनल यूनिट है, ओ सॉरी, एक्सक्रीशन की जो फंक्शनल यूनिट है वो नेफ्रॉन, मतलब जो एक्सक्रीशन जहां पे एक्चुअली होता है, जहां पे एक्चुअली एक्सक्रीशन होता है वो नेफ्रॉन है, ठीक है। तो नेफ्रॉन आपका क्या है, नेफ्रॉन है आपका फंक्शनली, फंक्शनल, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है, फंक्शनल यूनिट है ये एक्सक्रीशन की, ओके। तो नेफ्रॉन आपके दो टाइप के होते हैं, नेफ्रॉन आपके दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के नेफ्रॉन,
कौन कौन से नेफ्रॉन है? एक आपके हैं मेडुलरी नेफ्रॉन, ये 80% प्रेजेंट होते हैं मेडुला के अंदर, ठीक है, और दूसरा है जक्स्टा ग्लोमेरुली नेफ्रॉन, ये आपके 20% होते हैं। यहां पे आपका जो लूप ऑफ हेनले है वो स्मॉल होता है, स्मॉल होता है। यहां पे जो लूप ऑफ हेनले है उसका जो साइज है लार्ज साइज होगा, लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज साइज होगा। तो जक्स्टा, एक मिनट बेटा, मेडुलरी एंड जक्स्टा, जरा सा रुकना। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, सो दिस इज नॉट मेडुलरी, दिस इज कॉर्टिकल, दिस इज कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, जितना भी मुझे बताना था आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड वहां पे बता दिया। अब आते हैं हम यूरिन फॉर्मेशन में, अब आते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। यूरिन फॉर्मेशन, तो जो यूरिन का फॉर्मेशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन से जो प्रोड्यूस होता है वो यूरिन। यूरिन के फॉर्मेशन में थ्री स्टेप है, थ्री स्टेप, कौन कौन से थ्री स्टेप है? सबसे पहला स्टेप है उसका, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो दूसरा स्टेप है, जो दूसरा स्टेप है वो है रीअब्जॉर्प्शन, दूसरा स्टेप है उसका सेकंड रीअब्जॉर्प्शन, और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी लिखो इसको, ट्यूबुलर, ठीक है, ट्यूबुलर। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये लो रीअब्जॉर्प्शन ले लो। और जो थर्ड स्टेप है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये आपको तीन स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में दिखेंगे। सबसे पहले क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। ब्लड जो है, ब्लड जब किडनी में आएगा तो सबसे पहले उसको फिल्टर किया जाएगा, ठीक है। ये कुछ नहीं है, दिस इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये ब्लड का फिल्ट्रेशन है इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। उसके दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, तो उन न्यूट्रिएंट्स को क्या है, रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। और जब ये बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो आया था वो सारा रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बेसिकली जो थोड़ा बहुत जो है नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर प्रेजेंट है वो फिर से ट्यूबुलर सिक्रेशन से नेफ्रॉन के अंदर ले जाएंगे, और फिर बेसिकली ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन है उसके दौरान बहुत सारा वाटर लॉस होता चला जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंचेगा, और कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो यूरिन के फॉर्म में बिल्कुल कंसंट्रेट होगा और वो सीधे यूरिनरी ब्लडर के पास पहुंच जाएगा, यूरिनरी ब्लडर के पास में पहुंच जाएगा। तो ये थ्री स्टेप है, टाइम कितना हुआ है, 5 मिनट्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखते हैं पहले हम कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या है। एक काम करते हैं, एक चीज लिख लो पहले, मैल्पिगन कार्पल्स,
जो ग्लोमेरल ग्लोमुलस है या ग्लोमुलाई है प्लस बाउमेंस कैप्सूल, बाउमेंस कैप्सूल, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? मैल्पिगिन कार्पसेस, मैल्पिगिन कार्पसेस, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपका पहला स्टेप है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा ऑफ ब्लड, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, ठीक है। किसके लिए? टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, देखो आप फिर से पिक्चर पे ध्यान दो, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल। इसमें है आपका ग्लोमुलस, इसमें प्रेजेंट है आपका, इसमें आपका प्रेजेंट है ग्लोमुलस, इसमें प्रेजेंट है आपका ग्लोमेरुलस। तो ये जो है क्या कहते हैं, ब्लड तो इसके थ्रू आ रहा है, इसके थ्रू आ रहा है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल्स है, ठीक है। तो जब यहां पे देखो इसका थिकनेस कम है एफरेंट आर्ट्रियोल्स का, इसका ज्यादा है, तो इधर प्रेशर लगेगा, तो ये बेसिकली फिल्टर करेगा, ये फिल्टर करेगा, ठीक है। यहां पे बाउमेंस कैप्सूल की सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ इस तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इस तरह की कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कहाँ पे वो प्रेजेंट हैं? बाउमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट हैं। ये सेल्स जो दिख रही हैं बाउमेंस कैप्सूल में, इसमें ढेर सारी प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्स हैं बाउमेंस कैप्सूल की, इनको बोलते हैं पोडोसाइट, ठीक है। ये इनमें, ठीक है, इनमें प्रोसेसेस, मल्टीपल प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस, और ये मल्टीपल प्रोसेस फॉर्म इंट्रिकेट कनेक्शंस, ये बना लेते हैं इंट्रिकेट कनेक्शन विथ विद ये ए ग्लोमेरुलाई के साथ में, ठीक है, ग्लोमेरुलाई। उससे क्या होता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता, मतलब कि ये जो बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए जो मेम्ब्रेन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेट रिमूव करने के लिए, ठीक है, मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, यहां से इनसे बनेगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसके थ्रू होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट थ्रू, थ्रू किसके होगा, थ्रू किसके होगा, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, इसमें कौन कौन से पार्ट होंगे? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में आपके कौन कौन से पार्ट होंगे? एक तो ये ग्लोमेरुलाई की वॉल होगी, दूसरा ये पोडोसाइट्स होंगे, और बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, बीच में आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। आज तो ये खत्म हो नहीं पाएगा, तो आज बस यहीं पर रोक देंगे अपना, आज नहीं हो पाएगा। तो ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलर वॉल है जो कि कैपिलरी है बेसिकली, इंडोथीलियम, ये बेसिकली, इंडोथीलियम, बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, और तीसरा जो मैंने बोला बाउमेंस कैप्सूल में ये जो सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको बोलते हैं पोडोसाइट्स। तो ये सारा मिलके फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन बनाएंगे, और फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से जब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, तो जो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट आएगा, दिस इज नोन एज
अल्ट्रा फिल्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ठीक है, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट है। तो यहाँ से बस आज हम इसको आज रोक रहे हैं, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर पे इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सर।